मित्रों नमस्कार, सुभाष देवरिया, सॉरी थोड़ा सा 4-5 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ आप लोगों का लाइव, क्योंकि कुछ थोड़ा सा बिजी था। कुछ लोग आ जाएं तो फिर अपना शुरुआत करते हैं। श्रीनिवास जी आ गए हैं, गुड इवनिंग श्रीनिवास जी। कुछ मैं अपडेट्स देना चाहूँगा तो कुछ लोग और आ जाएं। भोलू भाई केमजो साहब, परियार साहब आ गए हैं। एक्चुअल में आज मैं दिल्ली आया हुआ था, मेरे एक मित्र हैं संजीव कपूर जी, उनकी बेटी की शादी है, तो चांस मिला काफ़ी दिन के बाद में कि उनके साथ में कुछ टाइम गुजार सकूं। बहुत अच्छे मित्र हैं। सचिन जी भी आ गए हैं। रमेश कुमार, नमस्कार जी रमेश जी। अपडेट मैं ये देना चाहूँगा कि जितने भी कॉइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं सब लोगों के बहुत स्मूथ हो रहे हैं। थोड़ा सा हो कैश में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो भी काफ़ी स्मूथ हो रहे हैं। कुछ डिले हो रहा है हमारी तरफ से ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ बिटकॉइंस हैं उसकी वजह से एक दो दिन आगे पीछे लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा। नीलू जी कह रही हैं, आई एम नीलू जी, वेल बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और एक खुशखबरी की बात यह है कि आज हमने तकरीबन 200 BTC का ट्रेड कंप्लीट किया, जो आज तक ये फर्स्ट सबसे बड़ा ट्रेड है आज हमारे यहाँ पे, कि जो अच्छा ट्रेड हुआ। और नोवा पे शायद 200 BTC हम जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सेकेंडली, कुछ लोग जो हैं कॉइन मार्केट कैप में, क्योंकि हमारा कॉइन सिर्फ यहाँ पे था, अपना नोवा एक्सचेंज पे था, तो जिसकी वजह से नोवा एक्सचेंज के पास में ट्रेड बंद होने से तो कॉइन मार्केट कैप से हमारा कॉइन हट गया है। तो अभी हमने ओहो कैश को कॉइन मार्केट कैप में रजिस्टर्ड करा दिया है, तो ऑटोमेटिकली अभी जो कॉइन मार्केट कैप में हमारा जो कॉइन है फिर लिस्टेड हो जाएगा। और शायद जैसे ही लिस्ट होगा तो जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, जिस तरीके से उस पर वर्किंग चल रही है, तो वो काफ़ी अच्छी स्मूथ पोजीशन में आएगा। मतलब नीतू जी कह रहे हैं कि ओहो कैश पे BTC विदड्रॉ, मैंने बताया कि शायद आज काफ़ी लोगों के निकल गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो जो BTC अब लाइव हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम 15 तारीख को काफ़ी कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, ICO वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड हमारे कॉइन की और बढ़ने लग गई है। 3-4 कॉइन्स और आएंगे उस दिन के लिए, तो सो आई थिंक ट्रांजेक्शन्स काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और उसको सही तरीके से हम लोग अपडेट मेरा यह है कि आज हम थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वर्कआउट करते हैं, तो जिसकी वजह से बार बार बीच में वो हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग थोड़ा सा ट्रेड करें, सीखें ट्रेडिंग कैसे होती है एक्सचेंज के ऊपर, अपने कॉइन ट्रांसफ़र करें, और कॉइन ट्रांसफ़र करने के बाद अगर ट्रेडिंग आप अच्छी तरीके से करेंगे तो एक नया आइडिया लगेगा, और नए आइडिया के हिसाब से हम उसको वर्कआउट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।